भूख लगी? ऑनलाइन महंगा ऑर्डर देके परेशान हो? तो आ जाओ फूड टैंगो पे, जहां से आप मुमरा के सारे रेस्टोरेंट, सारे ढाबे, सबकी फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, वो भी औरों से सस्ते प्राइस में। वाओ! सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मिलेंगे फ्री होम डिलीवरी, शॉपिंग कूपन, आपको और आपके फैमिली को वाटर पार्क जाने का मौका और ढेर सारे ऑफर्स। क्या बात है! तो आज ही प्ले स्टोर से फूड टैंगो ऐप डाउनलोड करें, ऑर्डर दे, अपनी टाइम और पैसा दोनों बचाए। ऑर्डर एट फूड टैंगो नाउ। यहाँ लाखों रुपए दो उसके बाद आप खेल सकते हैं। तो उनका काम था कि ये डिमांड करते हैं उस टाइम पे, उनको बस ऐसा लगता है 4 बिल्डरों को 10 बिल्डरों को जमा करके हमने एक मैच करवा दिया, हमारा फर्ज पूरा हो गया। मुमरा के लोगों को ये ग्राउंड मिलता नहीं है फ्री में। 4 दिन नाटक चला, 5वें दिन नाटक बंद। विधायक, नगर सेवक ये खेल के मैदान नहीं दे पा रहे, तो खासदार नहीं दिला सकते? 17-18 करोड़ रुपया उन्होंने दिया सब नगर सेवकों को, ये काम करो वो काम करो, एक ग्राउंड के लिए नहीं दे सकते थे? तो फिर इसमें मुमरा की जनता ही परेशान हो रही ना। और कौन किसका बाप है, इसलिए कौन किसके बाप को चलाता है ना। इधर बच्चों को खेलने के लिए फ्री का ग्राउंड नहीं मिला, शैतान का एक रूप है वो, लेकिन कोशिश करता है। इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुमरा के स्टेडियम में और आपको बता दें कि यहाँ पर देखिए आप मुमरा इंडियन प्रीमियर लीग खेला जा रहा है, जो ये 6ठा सीजन चल रहा है और ये आर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से ये क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। रीदा रशीद यहाँ पर मौजूद है, जो आर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। कितनी टीमें हैं इसमें जो खेल रही हैं और फर्स्ट प्राइज सेकेंड प्राइज क्या है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जय भीम। इस बार हमारी 24 टीमें खेल रही हैं, जिसमें 16 टीम के ऑप्शंस हुए हैं और 8 टीम एक्स्ट्रा हमने जुड़ाए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है क्या, जिस इस बच्चे लोग खेलना चाहते हैं, जो अंडर एज है या एज है, जो प्रैक्टिस करते हुए बड़े जो प्रोफेशनल लोग से कभी मिले हैं, उनको कोई खेलाता नहीं था और वो टीम बना नहीं सकते थे। इस बार सभी टीम को कंपलसरी था कि जो नए बच्चे हैं जिनको ग्राउंड में उतरना है उनके साथ, वो सभी टीम को कंपलसरी 3-3 बच्चे लेने थे और वो बच्चे माशाल्लाह लिए गए। और आप ग्राउंड में देख रहे हो, ये पूरे प्रोफेशनल टीम के साथ जो सालों साल से खेले हैं, वो नए बच्चे भी उनके साथ खेल रहे हैं। नए बार हमने आजमाया, हमारा 6ठा सीजन है इस बार और बस कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा कोशिश करती हूँ हमेशा करने की। और कितनी भी शैतान आते हैं, बहुत शैतान आया, बहुत शैतान ने कोशिश की। बोलते ना हम शैतान को कंकर मारते हैं, यहाँ के शैतान को तो कंकर मारने की भी जरूरत नहीं, शैतान का एक रूप है वो, लेकिन कोशिश करता है। कोशिश हार गया और इस बार वापस से आप देख रहे हो मेरा क्रिकेट, आज का पहला दिन है और शुक्र है अल्लाह का कि क्रिकेट ग्राउंड पे हूँ। बल्लेबाजी करते हुए टीम ने बनाया 56 रन 56। 3 नवंबर तक, 3 दिसंबर तक ये 30-30-1-2 प्राइस 1 लाख है फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस है 15,000। अच्छा, ये जो स्टेडियम है आपने इसे ग्राउंड जो है ये किराए पर लिया होगा, कितना किराया लिया इसका? स्टेडियम ग्राउंड जो है टीएमसी से लिया जाता है, फिगर नहीं बता पाऊँ, लेकिन उनके रेट है, उनके फिक्स रेट है डे और नाइट के, उतना चार्ज पे करो ग्राउंड लोग। आपने कितना पे किया? काफ़ी लाखों में गया, लाखों में गया है, ऑर्गेनाइज भी लाखों में जाता है, लेकिन ये आम लोगों के लिए नहीं है। अच्छा, तो आप लाखों में आप बात कर रहे हैं, तो फिर मनपन में इस ग्राउंड के लिए फैसिलिटी क्या दी आपको? इन्होंने इतनी फैसिलिटी की है, क्या थी साफ सुथरा करके दिया उन्होंने, बाकी का कुछ भी नहीं, खाली स्वच्छता उन्होंने रखे दिए मुझे। और कुछ है तो अपनी संस्था ने भी इसमें साफ सफाई करवा के लिए, जितना वो कर सके उतना ही अपनी संस्था ने भी करके उन्होंने ग्राउंड दे दिया, बस ग्राउंड दिया है। ग्राउंड का चार्ज लाखों रुपया, ये एक दिन का चार्ज अब लाखों रुपया से ज्यादा बता रहे हैं? नहीं, मेरे को पूरा, मेरे को ये 3 तारीख 30 तारीख से लेके 3 दिसंबर तक। हाँ, तो कितना आपने पे किया वो तो बताइए।
काफी पे किया है बुमराह इंडियंस इज द टॉप और यहां पर टॉस जीता फिगर ज्यादा पे करता लगता है और ये हर साल लेट हो रहा है एक सवाल पूछेंगे क्योंकि उनका क्या डिसीजन होगा और क्या प्लानिंग के साथ उतरोगे तो ये बताइए अगर लाखों रुपया यहाँ खेलने के लिए लग रहा है तो इस स्टेडियम का होने का क्या फायदा बुमराह वालों को क्या फायदा मिलता है जो बुमराह के बच्चे हैं वो कहाँ खेलने के लिए जाएंगे कैप्टनसी के रूप में देखिए ये तो यहाँ के जो आमदार है यहाँ के नगर सेवक है अगर उन्होंने डिमांड किया होता टीएमसी को उस बार हर जगह स्टेडियम है जहाँ पर एक 25 रुपया 50 रुपया का पावती लेते हैं लेते हैं सब जगह लेते हैं 25-50 रुपया या 150 रुपया का महीने का चार्ज होता है वो चार्ज देने के बाद बच्चे लोग खेल सकते हैं लेकिन मुमराह में आने के बाद हजारों और लाखों में यहाँ लाखों रुपया दो उसके बाद आप खेल सकते हैं तो ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर बुकिंग है ग्राउंड तो उस टाइम पे अलाउ ना करें बच्चों को खेलने का लेकिन जब बुकिंग नहीं उस टाइम पे जो बच्चे हैं मुमराह शहर के उनको खेलने के लिए दिया जा सकता है ना नहीं देते हैं वही तो मैंने बोला ये काम था यहाँ के आमदार का और यहाँ के जो नगर सेवक जो चुन के गए थे जिनके वार्ड के बच्चे थे जो जिनके वार्ड के बच्चे अभी भी खेल रहे उनका काम था कि ये डिमांड करते उस टाइम पे टीएमसी से कि ये है ना फ्री टाइम होगा तब ये बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दीजिए या खेलने के लिए दीजिए लेकिन उन्होंने कभी कुछ किया नहीं उनको बस ऐसा लगता है चार बिल्डरों को 10 बिल्डरों को जमा करके हमने एक मैच करवा दिया हमारा फर्ज पूरा हो गया उन्होंने कभी भी तरीके से काम किया नहीं पहली बात तो उनको समझा ही नहीं है क्या काम था उनका करने का इसलिए हुआ नहीं इसलिए आज के डेट में मुमराह के लोगों को ये ग्राउंड मिलता नहीं है फ्री में और ना ही मुमराह के बच्चों को इधर प्रैक्टिस के लिए भी मिलता है बच्चे हो बड़े हो या क्रिकेट प्रेमी हो उनको ये ग्राउंड मिलता नहीं है खेलने के टीम आ चुकी है हमारे बीच में तो थोड़ी देर के लिए क्या माना जाए जो मुमराह के नेता है वो ग्राउंड देने में फेल है क्या बोला जो मुमराह के नेता है वो बच्चों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड देने में फेल है देखिए फेल तो वो लोग डे वन से हो गए हैं लेकिन तभी भी आपने देखा होगा गए साल उन्होंने कुछ ड्रामा किया था बाजू के किसी और के प्लॉट पे जाके एक बिल्डर है या एक कार्यकर्ता है नेता है उसने एक ड्रामा किया कि बाजू का इधर नेता ने अनाउंस कर दिया कि मैंने उधर दे दिया और वहाँ जाने के बाद पता चला बच्चों को बोला उन्होंने आप डंपर क्या वो रैबिट ला के डालो उसका इतना पैसा बच्चों को देना पड़ेगा 4 दिन नाटक चला 5वें दिन नाटक बंद इन लोग का क्या है पता है अगर तुमने कोई हक की बात की ना वहाँ पर सब सुविधा दे देंगे आपको पूरा आश्वासन दे देंगे आपको लेकिन 4 दिन के लिए 4 दिन के लिए बाद धीरे धीरे करके वो नाटक बंद हो जाता है ड्रामा बंद हो जाता है ये इनके घर हो जाते हैं और भी लोग क्या बोलेंगे बच्चे लोग ठीक है चलो यहाँ के नेता ड्रामा कर रहे हैं लेकिन आप भी महाराष्ट्र के जो CM हैं उनके काफ़ी करीबी हैं जो खासदार हैं श्रीकांत शिंदे ये उनका भी क्षेत्र आता है तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर यहाँ के विधायक नगर सेवक ये खेल के मैदान नहीं दे पा रहे हैं तो खासदार नहीं दिला सकते क्या देखिए खासदार के पास जाना चाहिए था जो मैं गई हूँ और उनसे बात भी हुई है क्या होता है ना मैं करता है ना जब ऊपर वाले करने को जाते हैं ना तो ये जो ठेकेदार होता है ना यहाँ का मैं कर रहा हूँ करके है ना एक आश्वासन वहाँ भी दिया गया है लेकिन उनको तो बहुत सारी चीज़ें पता नहीं चली है आज हम धीरे धीरे करके इन्होंने जो मैं करता हूँ वाले में खासदार भी इतने दिन से हैं खासदार हैं तो उनको नहीं मालूम मुमराह के तमाम लोग आते जाते हैं ऐसा भी बता रहे कि मुमराह के लोग आते जाते मिलते सब बता चुके हैं उनको खेल का मैदान नहीं ये नहीं है वो नहीं है कौन बोलता है नहीं पता है? लेकिन मैंने लिखित दिया है जो लेटर में आपको दे सकती हूँ मैंने खासदार को लिखित दिया है उन्होंने बिल्कुल बोला है कि आने दो टाइम पे मैं बताऊँगा ये टाइम पे अपन ये काम करके लेंगे करके लिखित में देना पड़ेगा यहाँ पर आके झूठ बोलो वहाँ जाके एक नहीं, नहीं, बोलो। एक बात है 17-18 करोड़ रुपया उन्होंने दिया सब नगर सेवकों को ये काम करो वो काम करो एक ग्राउंड के लिए नहीं दे सकते थे ग्राउंड तो पता है ना मुमराह की जगह खा चुके हैं लोग मुमराह में जगह कहाँ छोड़ी है मुमराह में तो उनके अधिकारियों को बिठा के पट्टियाँ बांध के दी है पत्रे लगा दिए है होएगा दिया जाएगा ध्यान अभी सबका है सबका ध्यान है जितने पत्रे लगे हैं ना सब पत्रे तो खुलेंगे सुनो आप जैसे बता रही हैं तो ऐसा हो गया कि ये बोल रहे हैं मैं बनाऊंगा वो बोल रहे हैं कि हमको बनाने नहीं मिल रहा है तो ये दोनों लोग के कौन बोला बनाने आप बोले ना कि वहाँ के लोग बोलते हैं ये बोलते हैं कि हम बना देंगे आश्वासन दिया जा रहा है सालों से तो फिर इसमें मुमराह की जनता ही परेशान हो रही ना आप लोग तो अपनी अपनी राजनीति करके निकल जा रहे कहाँ निकल जा रहे थाना जा रहे क्या नहीं ना
इधर ही है ना, आपको भी लोग बोलते हैं ना कि आप लोखंड वाले चले जाएंगे तो क्या करेंगे। दूंगी जवाब इसका जब टाइम आएगा ना, जब सही टाइम पे इसका जवाब दूंगी कि लोखंड वाला और थाना और कौन किसका बाप है, इसलिए कौन किसके बाप को चलाता है ना इधर, सब जवाब दूंगी। लोखंड वाला जवाब नाम लेने वालों को भी जवाब दूंगी, लेकिन अभी है सालों साल से आश्वासन दे के अगर ये जगह खाली थी तो बाजू की भी जगह खाली थी, वो वाला प्रोजेक्ट भी खाली पड़ा था, वो भी वो मैंग्रोव की जगह नहीं थी, वो गऊ खाने वाली जो जगह होती वो थी, अपने पीछे भी बहुत सारी जगह थी, बहुत सारी जगह पे दे सकते थे लेकिन कहीं दी नहीं गई। कब्रिस्तान को घुमाया गया लेकिन बच्चों को खेलने के लिए फ्री का, बच्चों को खेलने के लिए फ्री का ग्राउंड नहीं मिला। इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे ये जो झूठ बोला है ना इन लोग के झूठ पे, मुझे ऐसा लगता है मैं उनके झूठ पे ना जाऊं और मैं मेरे पे विश्वास करूं और मैं जो काम करूंगी उस पे यकीन करूं, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बिल्कुल कोशिश होगी और रास्ते पे उतर के कोशिश होगी इनको ग्राउंड दिलाने की। तो आपने सुना कि यहाँ पर खेल के मैदान की भी बात हुई, क्योंकि मुंब्रा कौसा के जो बच्चे हैं उन्हें कहीं भी ऐसा क्रिकेट मैच प्रैक्टिस करने का या फुटबॉल हो गया या कबड्डी कोई भी खेल हो तो वो खेलने के कहीं भी उनके लिए एक पर्याप्त मैदान नहीं है। आपको पता है जब जब मैं क्रिकेट ग्राउंड पे उतरी और जब जब मेरी तैयारी चालू हुई, क्यों लोग डरे, क्यों लोगों ने वो मैच ना होने का कोशिश की, क्यों वो लोगों ने ऐसा ऐसा चीज़ें की जिसे मैं इस ग्राउंड से दूर रहूं, इस ग्राउंड पे आऊं नहीं। लास्ट टाइम को तो पता है ना बहुत बड़ी कोशिश की गई थी, लेकिन मैं तो बोलूँ ना सच्चाई की हमेशा जीत होती है और सच्चे दिल से करो ना तो इस तरीके से आपको ग्राउंड पे दिखते हैं। तो ग्राउंड तो दिलाऊंगी और ये जो भगाने की जो आदत है ना उनकी, इस बार वो खुद भागेंगे और ये बच्चे लोगों को अपने हक की चीज़ मिलेंगी और ये नहीं भागेंगे, ये जो भगाने वाली जो नियत रखने वाले लोग हैं ना वो इंशाल्लाह इस बार भागेंगे यहाँ से। कहीं ना कहीं जो मुंब्रा की राजनीति है उसमें भी ये लोगों का सवाल है कि क्या बच्चों को खेलने का मैदान मिलेगा या फिर मैदान हो गया या और भी अन्य मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर सिर्फ शहर में एक राजनीति ही चलती रहेगी।